इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। जयपुर के आमेर फोर्ट पर आसमानी बिजली से मौत का जो वीडियो सामने आया है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आमेर फोर्ट पर लोग पिकनिक मनाने गए थे लेकिन वो आसमानी बिजली के शिकार हो गए और 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जी ये वो तस्वीर है, देख लीजिए, जिस वक्त आमेर फोर्ट पर लोग मौजूद थे। देखिए बिजली कड़की और जो आपको पहाड़ी के ऊपर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जहां पर वो बिजली कड़कते हुए नीचे गिर रही है, वही आमेर फोर्ट का हिस्सा है जहां पर टूरिस्ट मौजूद थे और वो इसी बिजली गिरने के चपेट में आ गए और उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई। 16 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग वहीं गिर गए, कुछ लोग खाई में गिर गए, पास के जो पहाड़ी से नीचे गिर गए। देखिए उस वक्त हवरा तफरी मची होगी, यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं लोगों के, लोग वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। बारिश और बिजली से बचने के लिए लोग इसी के अंदर इकट्ठा हो गए थे लेकिन उसके बाद बिजली इतनी जबरदस्त कड़की और जिस जगह पे गिरी उसने आसपास के जो इलाके लोग वहां पर मौजूद थे सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। और आप देखिए इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अंधेरा छा गया था, दिन में अंधेरा छा गया उस वक्त जहां जिस वक्त ये घटना हुई थी और वहां पर बिजली कड़की और यहां पर 16 लोगों की जान चली गई। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और देखिए यहां पर महिलाएं पुरुष हर उम्र के लोग रहे होंगे। संडे का दिन था, लोग घूमने गए थे, मौसम अच्छा था और इसी तरह से संडे के दिन लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी पहुँचते हैं, मौसम अच्छा हो तो ज़्यादा भीड़ होती है और शायद यही वजह थी कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, सेल्फी ले रहे थे वहाँ से, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बिजली कड़केगी और उनकी जान लेकर चली जाएगी। आमेर फोर्ट के जिस वॉच टावर पर बिजली गिरी वहां से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। जयपुर के आमेर महल के ठीक सामने वॉच टावर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस वक्त आकाशीय बिजली गिरी थी उस वक्त क्या मंजर रहा होगा आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ पर जूते चप्पल पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थे सेल्फी वगैरह ले रहे थे, घूमने आ रहे थे, यहीं पर जब बिजली गिरी तब तड़प कर उनकी यहीं पर मौत हो गई। 16 लोगों की मौत हुई है। मौके पर जो लोग मौजूद थे देखिए उनके जूते चप्पल यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पर खून के धब्बे पूरे लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमूमन वीकेंड डेज पर इस जगह पर तमाम लोग आते हैं और देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, सामने आमेर महल है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। मौसम खुशनुमा था इसलिए तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए, सेल्फी ले रहे थे लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि प्रकृति की जब मार होगी तो उस वक्त वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह मंजर होता है। इसी जगह पर बिजली गिरी और इस दीवार पर उसके निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर छिटक के कुछ लोग गिरे, SDRF के यहाँ पर जो लोग हैं वो उन लोगों को यहाँ से, घायलों को यहाँ से उठाया और उसके बाद अस्पताल लेकर गए। और अब आप देखिए ऊँचाई देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ से पूरा आप माहौल देखिए। बिजली कहाँ गिरी हमें एक बार आप दिखाइए वो दीवार पर, ये हाँ ये निशान, ये पत्थर का निशान है ना, ये ताज़ा चूना है सर। अभी भी सर्च ऑपरेशन आप, हाँ चल रहा है सर, इधर अपना रोप के जरिए जवानों को उतारा था और इधर भी सर सर्च किया है और अभी सर्च जारी है, दोनों तरफ जारी है। अभी भी कुछ सुबह कुछ लोग तो नहीं मिले? नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल कोई नहीं, बाकी का हमारा सर सर इसका ऑपरेशन चली जारी है तो नीचे झाड़ियों में अंदर घुस घुस के देख रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो ड्रोन व तमाम रोप के ज़रिए यहाँ पर जो झाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये जो पहाड़ी इलाका है पूरा, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है कि कोई डेड बॉडी या कोई घायल तो मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर हादसा बहुत ज़्यादा भयावह था, उसके बाद से यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आमेर फोर्ट पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष भट्टाचार्य की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है। आमेर के ठीक सामने क्लॉक टावर है जहां से सेल्फी वगैरह ली जाती है और उस जगह पर देखिए अब यहां पर जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, आसपास के पूरे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। रात को यहां पर जिस वक्त सर्च ऑपरेशन हुआ था उस वक्त यहां पर 16 लोगों को निकाला गया और लगभग 16 लोगों की मौत हो गई है। और अभी फिलहाल आप देखिए ये ड्रोन से पूरा सर्च ऑपरेशन है, सामने वो वॉच टावर है आप देख रहे हैं, वहाँ पर ही तमाम लोग मौजूद थे और सेल्फी ले रहे थे। और अभी आप देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन है। ये जो पूरा आसपास का घना जंगल है इसमें कहीं कोई डेड बॉडी या कोई घायल तो नहीं है, छानबीन कर रहे हैं जो सर्च ऑपरेशन करने के लिए लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये लगभग कितना एरिया में आप पूरा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है, अभी कुछ मिला है? बिल्कुल सर, अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सर ये ड्रोन है जो 1 किलोमीटर आराम से लेफ्ट टू राइट आराम से हम इसमें देख सकते हैं और सर हम पुलिस
कंट्रोल रूम से है। पुलिस कंट्रोल रूम से जी सर। आप तो ये आसपास के अभी कितने एरिया में आप लोगों ने पूरा सर्च ऑपरेशन कर लिया? बिल्कुल सर, अभी सर 100-200 मीटर का हमने देखा है। हाँ। और हम अभी देख रहे हैं सर। ये रात को तो बड़ा टफ हुआ होगा, लेकिन अभी कुछ सुबह कोई मिला है इस सर्च ऑपरेशन में, कोई घायल या कोई मृतक यहाँ पर इस पहाड़ियों में? सर ड्रोन से अभी तक सर कुछ मिला नहीं है और हम अब सर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरा ड्रोन से इस पूरे इलाके को देखा जा रहा है, क्योंकि रात को तमाम घायल यहीं पर पहाड़ियों पे मिले थे, जंगल में गिरे हुए थे। जिन लोगों को जानकारी थी, जो यहाँ पर मौजूद थे, जो सही अवस्था में थे, उन्होंने जानकारी दी, तो यहाँ पर कुछ घायलों को निकाला गया। लेकिन सुबह से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और हम आपको दिखाऊँ इस वॉच टावर पर खड़े होकर तमाम लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे, और इसी जगह पर जब आकाशीय बिजली गिरी तब कर लोग इधर उधर गिर गए, और उसके बाद रात को लगभग 12:30 बजे यहाँ पर SDRF जयपुर पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर आए, और उसके बाद घायलों को निकाला गया, जो मृतक थे उनको अस्पताल पहुँचाया गया, और अभी भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में इस घने जंगल में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई घायल या मृतक यहाँ इस जंगल में मौजूद तो नहीं है। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, NDITV जयपुर। अब जयपुर के अलावा राजस्थान के कई और जिलों में भी आसमान से बिजली गिरने से लोगों की जान गई है। जयपुर में 16 मौतें हुई, कोटा में 4, धौलपुर में 3 और भरतपुर में 3 लोगों की जान गई है। झालावाड़, बारा सवाई माधोपुर, इसके अलावा बिजली गिरने से इन इलाकों में भी एक एक मौतें हुई हैं। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।